कसरावत पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से रिवाल्वर और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कसरावत पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि सरवर देवला कठोरा उद्वहन रोड दगोरा दोगावा नहर के पास नाग मंदिर के पीछे कपास के खेत में बनी झोपड़ी में 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और दोगावा कसरावत स्थित SR पेट्रोल पंप लूटने की बात कर रहे हैं। सूचना पर कसरावत TI माधव सिंह ठाकुर ने 2 टीमों का गठन किया और मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी। टीमों ने घेराबंदी कर 5 व्यक्ति को पकड़ा है, जिसमें अनिल पिता मांगीलाल सभी निवासी सादरबन को पकड़ा गया है। आरोपी अनिल के कब्जे से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। कसरावत शकील खान की रिपोर्ट। सर, कुछ घातक हथियारों के साथ जो मुजरिम आपने पकड़े हैं, किस सिलसिले में और क्या केस है इनके ऊपर? ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो गुंडे बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चल रहा था, उसी तारतम्य में कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश दोगावा रोड के अंदर खेत के पीछे एक टापरी में बैठकर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर 2 टीम के साथ जाकर दबिश दी गई, जिसमें 5 व्यक्ति शराब पीते हुए मिले और उनको चेक करते तो उनके पास एक आग्नेय शस्त्र और 3 धारदार हथियार तथा 1 तीर कमान मिला। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि SR पेट्रोल पंप जो दोगावा रोड पर है उसको वहां पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सर, जिस तरीके से इनके हथियार बरामद हुए, क्या निश्चित रूप से इनका खोप होगा इस क्षेत्र में, क्या कहेंगे? पहले भी कुछ नाम है इनके ऊपर? ये सादरबन के रहने वाले हैं आरोपी सारे, और इनके ऊपर पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं तथा हमारे थाने में भी 2-3 अपराधों में ये पहले से फरार चल रहे थे। इसके अलावा इनके विरुद्ध थाना बेड़िया में भी अपराध पंजीबद्ध। सर, इनके और कुछ साथी फरार हैं? अभी और इसमें विवेचना चल रही है और जो इसमें नाम आएंगे उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने पहले भी लूट की थी क्या? अभी इनके विरुद्ध पूर्व में चोरी मारपीट और ऐसे अपराध पंजीबद्ध है और लगातार ये क्षेत्र में कपास चोरी और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। सर, कितने प्रकरण है इनके? इनके विरुद्ध 4 प्रकरण, किसी के विरुद्ध 5 प्रकरण अलग अलग थानों में पंजीबद्ध। सर, जब टीम दबिश के लिए पहुंची तो कुछ सामना भी किया, ऐसा लगा पता चला कि इन लोगों ने कोई नहीं, ये एक झोपड़ी में शराब पी रहे थे और पुलिस ने अपना घेराबंदी करते हुए इनको दर्द पूछा और ये भागने के प्रयास में थे और तत्काल इनको पकड़कर इनके पास जो हथियार थे। टीम में कौन कौन शामिल था? टीम में मेरे मतलब साथ में उप निरीक्षक दिनेश कुशवाहा तथा प्रधान आरक्षक रविन्द्र था, इसके अलावा आरक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।